बाय बाय डायबिटीज चैनल की तरफ से आपका वेलकम करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मेडिटेशन या स्ट्रेस को दूर करने के लिए और डायबिटीज के पेशेंट कैसे अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। डायबिटीज में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसके कारण लोगों को शुगर या डायबिटीज हो जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग में जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो काफी तरीके से की जा सकती है। एक सीधा बैठ के भी की जा सकती है, इस जिस पोज में जैसे मैं बैठा हूँ, दूसरे आप चौपड़ी लगाकर भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते ऐसे बैठ के वो इस तरीके बैठ जाए, नहीं तो जिनसे वैसे भी नहीं हो पा रहा तो वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर के ऊपर बैठ के भी ये चेक किया जा सकता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग में सबसे पहले जहाँ आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, कोशिश कीजिए वहां पे ज्यादा कोई शोर शराबा स्ट्रेस ना हो, टीवी, कोई आपका मोबाइल और कोई चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं तो उनको बंद या साइलेंट कर दें या उनको थोड़ा सा अपने से दूर कर दें। स्ट्रेस को दूर करने के लिए डीप ब्रीथिंग करेंगे जब आप अपने आप में अपने बारे में सोचेंगे, बाकी सारी चीजों को छोड़ के। आपने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कहाँ किया जा रहा है, कौन सी चीज हमको परेशान कर रही है, किस चीज से आप दुखी है, उन सबको छोड़ के अपने ऊपर अपनी बॉडी पे फोकस करना है। लंबे लंबे सांस लेने हैं। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है पहली बारी। ये आप आंखें खोल के आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और जब भी आपने आंखें बंद करके भी करना है तो इसमें आपने ज्यादा सोचना नहीं है, आपने किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, कोई अपने टेंशन के बारे में नहीं सोचना भी, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो क्या हो रहा है वहां पे, मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, मेरी जॉब की प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों का स्ट्रेस है, वो सबको छोड़ के सिंपल आपने अपने बारे में सोचना है। और कोशिश कीजिए अगर आप काली चीज के बारे में सोचते हैं, कुछ भी ब्लैक, कोई भी ब्लैक चप्पल हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, कोई आइटम हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, उसको काले के बारे में सोचिए, या कोई भी एक डेफिनेट कलर ले दीजिए जो आपको लगता है कि वो आपको अच्छा लगता है, उस चीज के बारे में सोचिए आंखें बंद करके। तीन से चार मिनट इसको कीजिए। इससे क्या होगा, भी आपका जो स्ट्रेस है, जो ब्रेन में स्ट्रेस जा रहा है, जो बंदा ज्यादा सोचता है, वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है वो आती है अनुलोम विलोम, हम इसको बोल देते हैं। एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे से छोड़िए। दाएं से लिए, जैसे मैंने बाएं से लिया, अभी दाएं से छोड़ दिया, अब दाएं से दोबारा लीजिए, अब बाएं से छोड़ दीजिए। ये ब्लड की सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में और हमारी ब्रीथिंग को और लंग्स को साफ करने में बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। तीन से चार मिनट इसको भी लग के कीजिए। अब उसके बाद जो अब आपकी नई अगली मेडिटेशन आती है जिसको योगा भी हम कहते हैं, वो है भी मुंह से हमको सांस छोड़नी है, नाक से लेनी है। अगर आप आंखें बंद करके करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके भी कर सकते हो, अगर आप आंखें खोल के करना चाहते हो तो आंखें खोल के भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है जब हम आईज बंद करके सारी स्ट्रेस को सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, कहाँ क्या हो रहा है। फिर मैं वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग वेयर, वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम अबाउट दैट, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन हमने सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है भी अब हो क्या रहा है, जो हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, ये सृष्टि जो बनी है वो हमारे लिए बनी है, हम इसके लिए बने हैं,
हमने अपने ऊपर फोकस करनी है। सारा दिन 24 घंटे हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, ये 15 से 20 मिनट सिर्फ हमारे लिए होने चाहिए, किसी और के लिए नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे जब भी आप हो तो धीरे धीरे आंखों को खोलिए, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अब इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो है, दोनों उंगली से अपने अंगूठों से अपने कान को बंद कर लीजिए, चारे अंगूठा सिर के ऊपर हो गया, और आंखों को बंद कर लीजिए दोनों हाथों से, और अपने अंदर डीप ब्रीथिंग कीजिए और सांस को अंदर खींचिए। अब होल्ड कीजिए वहीं पे सांस को 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी देर आप कर सकते हैं। और जब आपने करना है तो अपने काली चीज के बारे में ही सोचना है, अगर आप कोई और कलर को लिखना चाहते हैं उसको आप सोच सकते हैं। अब उसके बाद नाक से छोड़ दीजिए, इसको आपने लगातार 2 से 3 मिनट करना है, मतलब लगातार कंटिन्यू करना है। मैंने तो आपको बताने के लिए छोड़ दिया, अब आपको मैं दोबारा एक बार फिर सारा सिस्टम बता रहा हूँ। अपने कान को बंद किया, एक उंगली सिर पे रखी, बाकी 3 उंगलियों से आंखों को बंद किया, और अंदर अपने आप सांस को खींचना है। अब होल्ड कीजिए वहां पे सांस को, अब छोड़ दीजिए। धीरे से आंखों को खोलिए। इसको करने के बाद आपको काफी स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा, और आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इसको अगर आप सुबह शाम 2 बार करते हो लगातार, 10 से 15 मिनट की ये मेडिटेशन है, इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम करते हो तो आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। और डायबिटीज के पेशेंट के लिए, और वैसे जो बीपी के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, और भी जो बीमारियों से ग्रस्त पेशेंट है जिनको प्रॉब्लम है, वो इनको अगर करते हैं तो उनको काफी इस चीज का रिलीफ मिलेगा, और काफी जल्दी वो इससे अपनी बीमारियों से वो रिलीफ ले सकते हैं। क्योंकि मेडिकेशन के साथ साथ अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हो, मेडिटेशन एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रेस होगा आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।